बहुत दिन बाद हम तीनों इकट्ठे जा रहे हैं कहीं पे। क्या एक साल बाद समर आई है आज? अरे यार, हमारे यहाँ पे बड़ी मुश्किल से समर शुरू होती है और आज बहुत अच्छा एंड गर्म दिन है। पहला समर का दिन है और हम जा रहे पार्क, और जो पार्क में हम जाते हैं वहाँ पे नॉर्मल के जिस तरह जाना अलाउड नहीं है, आपको बुकिंग करनी पड़ती है पहले, क्योंकि वो कुछ लिमिटेड लोग ही अंदर जाने देते हैं। पार्क तो बहुत बड़ी है पर फिर भी कोरोना प्रिकॉशंस, यू नो। सो हमने बुक किया था आज के दिन और हम सिर्फ 2 घंटे वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। हमारा टाइम है 3 to 5 और हम जा रहे हैं। या देखते हैं, मज़ा आएगा। एक्साइटेड डैडी? आई एम वेरी एक्साइटेड। You excited, little guy? It's beautiful summer day today. So, आपने मौसम चे पार्क चे पहुंच चुके हैं। हस्बैंड ने चोला फड़ाता है। सॉरी पति, पर इधर जे थोड़ा जा सारा पींदा समाना कोकोनट वाटर ले आंदा मैं, एंड मैं लेके आई हूँ हिम्मत के लिए जूस एंड पॉपकॉर्न, एंड हिम्मत के लिए आलू की परौंठी क्योंकि वो खा के नहीं आया है। और यहाँ पे बहुत कूल है, बहुत उन्हें शॉर्ट्स पानी चाहिए ही है ना, और सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के वॉक कर दे पे, और क्राउड है पार्क में। मुझे लगा था कि कमी होगी पर काफ़ी गाड़ियाँ थी, पार्किंग लॉट काइंड ऑफ फुल था, पर उतने ही लोग हैं जितने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं। सो या घर में रह के हमने थोड़ी सी ऑनलाइन शॉपिंग की है और ये मैंने शर्ट खरीदी है। जब मैं शर्ट खरीदी तो मैं सोच रही थी मैं मेरे लिए स्मॉल साइज लूँ, पर ठीक है, नहीं तो बहुत मोटियाँ लार्ज ला। सो एंड इन्होंने मुझे दिलाई है लार्ज और ये मेरी ड्रेस बन गई है और ये काफ़ी लूज है। कोई नहीं, होना नक बन गला। सो यार, ये जो मैंने पहनी है शर्ट आज, सो ये बहुत बड़ी होने की वजह से ये मेरी नॉर्मल शर्ट नहीं है, ये मेरी शर्ट ड्रेस बन चुकी है। सो उस दिन मैंने जितने भी चीज़ें शॉपिंग की हस्बैंड के साथ, इन्होंने मुझे कुछ भी मीडियम या स्मॉल नहीं लेने दिया। यूजली मैं स्मॉल पहनती हूँ या मीडियम, कई ब्रांड्स स्मॉल आते हैं कई मीडियम, पर इन्होंने 4-5 चीज़ें लेके दी सारी लार्ज, हम सारी इदा ही होनी है। और अब चेंज करने का हासिल भी नहीं ले सकते कि चेंज करो दोबारा से मॉल में जाओ या दोबारा पोस्ट करो, सो मैं दे पाऊँगी उन लार्ज खुले कपड़े, पर आई डोंट माइंड, मैं लार्ज पहन लेती हूँ। है ना भाई मिमी, होगी मिमी क्या होगी, है ना भाई मिमी हिम्मत सर होगी, और हस्बैंड पता नहीं की कर दे पे। ये जो ट्रेल जाती है ये जाएगी एक बहुत ब्यूटीफुल नन्नी सी लेक के पास, वहाँ पर बैठ के हम करेंगे थोड़ा सा समय स्पेंड, और यस लेट्स गो। और ज़्यादा देर कैमरे को होल्ड करके मेरी बाँह थक जाती है, सो पति इज़ देयर समवेयर। असी अपनी फैमिली से भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखते हैं, बहुत समझदार लोग हैं। चलो प्यारी लोगों ना डिस्टेंसिंग बनाने लिए क्या आ अपने प्यारे नानी। ओके, सो लेक पे पहुंच चुके हैं हम। वाय करना मुंह, लोग बोलता मुंह बंद कर लो, ते नाक कहने बंद करना। हस्बैंड ना बार बार हिम्मत को तंग करे, मिमी ये फोन टच नहीं करना, ओके। सो हिम्मत को ना बार बार बोल रहे कि इंजॉय करने की कोशिश कर, इंजॉय करने की कोशिश कर, वो कह रहा मैं कर रहा हूँ इंजॉय, कह रही कि सारा कुछ अपने ब्रेन से पान की कोशिश कर। एक्चुअली आजकल क्या है कि हिम्मत हिम्मत हजनी पुट इट बैक, इससे गंदा हो सारा ना, ओके। सो हिम्मत ने आजकल स्कूल से सीखा है कि
जब भी आप एंग्री फील करते हैं तो ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, तो मुझे कहता है। एक्चुअली एक दिन मैं गेम खेल रही थी और ऑलमोस्ट जीतने वाली थी मैं, और हिम्मत कह रहा मम्मी नाउ यू हैव टू फोकस, अगर आपको फोकस नहीं हो रहा तो जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट, क्योंकि तुम्हें जीतना है। मैं कह एनी डेडिकेशन गेम को जीतने के लिए मुझे दिखा रहा है, सिखा रहा है। पर मुझे अच्छा लगा कि इसे पता है कि ब्रीद इन ब्रीद आउट करके थोड़ा कह रहा काम फील होता है और आप फोकस करते हो। मैं कहा कि 5 साल के बच्चे को भी पता है कि ब्रीद इन ब्रीद आउट करके यू फील अ लिटिल काम। सो या दैट्स द पर्पस ऑफ दिस लिटिल स्टोरी कि मिमी बहुत सियाना हो गया। आई होप यू गाइस कैन हेयर चिड़िया दी चिंग चिंग, इट्स सो गुड। सो हिम्मत और डैडी थोड़ा फुटबॉल प्ले कर रहे हैं और बच्चा 1000 बारी रो रहा है। हिम्मत ये खेड़ घटा तो लड़ते जा रहा है दोनों जने। हिम्मत ने ओके प्यारे दोस्तों, सो पार्क से हमारा डन हो चुका है और एक्चुअली हमारे पास अभी 15 मिनट ही हैं। हमने अच्छे 2 आवर्स स्पेंड कर लिए और टिकटॉक वीडियोस बनाई हमने। अगर आपने मुझे मेरे टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया है तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि एंटरटेनमेंट कट है। सो प्लीज़ कर लो। मेरे टिकटॉक का नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ जाएँ और फॉलो कर लें। पति बहुत अच्छी मेहनत करते हैं अपनी एक्टिंग स्किल्स पर। सो यस दैट्स इट, अब जा रहे हैं हम लोग घर। और आज डिनर में हम लोग खाने वाले हैं चिकन टिक्कर। ओह नो, आज यही खाना पल्ला चाट। So, इस क्वारंटीन में हमारी कोशिश है कि पति को मोटा कर दे। ओके दोस्तों, बहुत देर बाद हम कार में ब्लॉक कर रहे हैं दोनों पति पत्नी इकट्ठे, तो फिर म्यूजिक हो जाए थोड़ा। वे संदुआ, वे संदुआ। संदुआने से दुआ। वे हाथ पाड़ के ले जा सिदुआ। तो ये संदूक बना रहा था। हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम बैक। एक्चुअली मैं चली गई थी ग्रास के लिए सीड्स लेने, क्योंकि हम हमारी हमारे लॉन में सॉयल एंड सीडिंग करने वाले हैं, पर अब वो होगी नहीं क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया है। वीकेंड पे करेंगे, कमिंग सैटरडे संडे। सो हम डालेंगे सॉयल और उसमें हम डालेंगे सीड्स, देन पानी, देन वो नया का। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। ओके ऑल राइट दोस्तों, सो हम पहुंच चुके हैं घर। और मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की है, उसके बारे में आपको बताऊंगी। उसी व्लॉग में बताने के लिए नहीं कहा था, फ्यूचर में बताऊंगी, क्योंकि मैं कुछ पैकेट की अभी भी वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ गैप या बनाना रिपब्लिक से चीज़ें खरीदी थी, वो पता नहीं क्यों किश्तों में सेंड कर रहे हैं। हर बार एक एक पैकेट में एक एक ही चीज़ आती है। सो या वंस सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाएंगी तो फिर मैं एक ट्राई ऑन हॉल वीडियो शूट करूँ। सो पल्ला चाट बनाएंगे हम, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं खाने वाली हूँ चिकन, और वो चिकन मेरे लिए कर रहे हैं। वैसे थोड़ा सा मैं भी खाऊँगी, पर मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ क्योंकि इट्स नॉट वेरी हेल्दी। सो पति के लिए बना रहे हैं हम लोग। सो मैंने माँ तोमी दाल को भिगो के रख लिया था, उसमें थोड़े से मेथे डाले हैं मैंने भिगोते समय। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में। उस ग्राइंड करते समय मैं इसमें डालूंगी गार्लिक, जिंजर एंड हरी मिर्ची।
सो इसको ग्राइंड करके अच्छा पेस्ट बना लेंगे। मुझे बहुत स्मूथ नहीं, थोड़ा दरदरा चलता है, सो वो करते हैं। ओके सो इस पल्ला चाट में मैं डालूँगी वाइट चने जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, और पटेटो जिसको मैंने ऐसे बारीक काट लिया है। अब हम इसको माइक्रोवेव में कुक कर लेंगे, तब तक मैं ग्राइंड करूँगी ये सारा सामान। ओके सो आई एम मेकिंग चाट पापड़ी फॉर हिम एंड ही इज मेकिंग मी चिकन। थैंक यू हस्बैंड। यार मैम एटीट्यूड क्यों दिखाई है आपने? कर ले, मैं अपने लिए चिकन बनाता हूं, ये चटकोरे काम मेरे थोड़ी। झूठ ना बोलो तो ये चिकन साडे दोनों लिए बनांदे हैं एंड चाट आप खानी है इन्होंने। सो यस यही सच्चाई है, इन्हां दे फिटनेस वाले कपड़े दे मत जायो, ये चटकोरा बंदा वे। ओके की तू खाना नहीं चिकन? जो कोई बंदा कुक करता ना उधर कॉल जाएगा होता, ही फील्स गुड। जा रख दिया है मैंने। अब हम बनाएंगे वड़े पल्ले। सो वैसे तो आप इसको कैसी भी शेप दें, इसको थोड़ा गाढ़ा करने के लिए आप इसमें कोई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, पर मैं कुछ ऐड नहीं करूँगी। मैं स्पून लेके सिर्फ ऐसे फ्लिप कर दूँगी ताकि ये फ्लफी सॉफ्ट बने और अहीं शेप दे चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सो यस दैट्स गुणकारी थिंग। ऑयल को हीट होने देंगे, मेक श्योर करें कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो क्योंकि एकदम से ब्राउन हो जाएगा और कुक नहीं होगा। हमें मीडियम हीट पे कुक करना है इसे। सो यस वेट करते हैं उन्होंने दोनों देख के आने कि उन्होंने की जिंदगी च की चल रहा पे। हाउ इज योर लाइफ गोइंग गाइस? रखता चिकन ओ लाला स्मेल्स नाइस। हाँ जी नहीं है इसको हम ऐसे फ्राई कर रहे हैं। आप देखें कि इसका साइज़ कितना परफेक्ट है, मैंने कोई भी अलग से शेप देने की कोशिश नहीं की है। अब हम इसको मीडियम काइंड का गोल्डन सा करेंगे, हम ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि फिर हम ओवर कुक नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि ये बहुत अच्छे सॉफ्ट रहें। जो तो हम खाने के लिए अब यूज़ करेंगे उनको मैं डायरेक्ट ही पानी में डाल देती हूँ ताकि वो अच्छी तरह सॉफ्ट एंड ठंडे हो जाएँ। जो नहीं खाएंगे उनको हम रख लेंगे ताकि फ्यूचर में यूज़ कर लें। सो इस तरह हम पल्ले तैयार हमारे हो रहे हैं और हस्बैंड का डिनर आउटसाइड वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। सो हमारे पल्ले रेडी हो चुके हैं जैसे मैंने अर्लियर बताया। अब हम इसको पानी में निकाल लेंगे। पानी में निकालने के बाद इसको साइड पे रख देते हैं थोड़ी देर, वो पानी को सोक करके सॉफ्ट एंड ठंडे हो जाएं। और अब जो बचा हुआ मिक्सचर है उसका हम एक और से बैच बना लेंगे, उसको लेटर के लिए यूज़ कर लेंगे। एंड जब तक ये फ्राई हो रहे हैं मैंने सारे पल्लों की साइड चेंज कर दी है ताकि इवनली कुक हो जाए। जब तक ये कुक हो रहे हैं मैं डिशेस क्लीन कर लूँगी क्योंकि जब ये मेरी किचन क्लीन होती है तो मेरा कुकिंग में भी मन लगता है, अगर मैस हो तो फिर यू नो खे जाती है मुझे। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो मैंने डिश वॉशर को खाली करके गंदी डिशेस को उसमें फिल कर दिया है ताकि लेटर हमें आसानी हो जाए खाने के बाद। और यस वी आर द म्यूजिक मेकर्स and we are the dreamers of dreams.
ऑलराइट, हमारे पल्ले ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं जिसको मैंने पानी में भिगो के रखा था। बहुत अच्छे फ्लफी एंड सॉफ्ट है, रेडी टू ईट है। अब हम इनको निकाल लेंगे और ये एक्स्ट्रा लेटर के लिए। पल्ले बनाने का रीज़न क्या है आपको बताती हूँ मैं। एक्चुअली कल मैंने डोसे के लिए चटनी, डोसे में कल मैंने सांभर बनाया था, उसके लिए मैंने इमली भिगोई थी जो मुझसे ज़्यादा होगी, तो मैंने उसकी मिट्टी चटनी बना ली, क्योंकि हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो उसके लिए चल जाती है। सो फिर मुझे लगा कि मिट्टी चटनी को खाने के लिए पल्ले बना लेते हैं। सो या मिट्टी चटनी है मेरे पास। सो अब हम यहाँ पर बनाएंगे चाट का स्टेशन, और फिर हम हमारे पति को, नॉट हमारे, सिर्फ मेरे पति को तो मेरे पति को बना बना के देंगे 4-5 प्लेटा, जब तक उन्हें बैजा बैजा नहीं हो जाती और उनके पेट में डिनर की जगह नहीं बच जाती तब तक। सो यस, दही को मिक्स करके हम क्रीमी बना लेंगे। अगर आपका दही ज़्यादा गाढ़ा है तो उस पर दूध डाल लें और उसे स्मूथ बना लें। ओके दोस्तों, तो हमारा स्टेशन ऑलमोस्ट रेडी है। मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे पास क्या क्या है। मेरे पास है दही, आलू भुजिया, आलू, वाइट चने और जीरा रोस्टेड पाउडर, और अनियन एंड धनिया का मिक्सचर, इमली वाली चटनी एंड पल्ले, और हस्बैंड की डिलीशियस प्लेट सजाने के लिए मैंने रख ली है। और सबसे पहले हम डालेंगे पल्ले। सो आप पूछ ले कितने पल्ले चाहिए, फिर उस हिसाब ना पैसे लेंगे। चलो उनको हम दे देते 3। पानी को निचोड़ लें, तो ये पल्ला 4 ही खाओ। सो यस, इन्हें गुलगुलिया नो ऐसी मिडल से रख लिया। कुत्ती ना, कुत्ती ओ होण प्यारी, आप दे दाने प्यारी होण ना, दे दाने ते गुलगुलिया के दे। अब हम इस पे डाल लेंगे दही। आहा, शाइनी क्रीमी दही ना काय हो, बस कर सी दुआ। चने, अनियन, ओके, इमली चटनी। सो अब हम इस पे डालेंगे, स्प्रिंकल करूंगी मैं जीरा रोस्टेड एंड थोड़ा सा चाट मसाला, और उसके ऊपर आलू भुजिया क्रिस्पीनेस के लिए। अगर आपके पास फ्रेश पापड़ी है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, वो यूज करें, पर अगर नहीं है तो लुक एट दिस डिलीशियस प्लेट गाइस। दिल कर रहा है आपको खाने के लिए, तरा। अब पति के रिव्यूज लेते हैं, चलो मेरे नाल। प्यार ये ज्यादा ना चकाचौन जना प्यार कर, तो बहुत बार खादे आ, एडी एक्साइटेड ओवर रिएक्शन ना दिया कर। ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨੂੰ ਖਾਈ ਨਾ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਬੁਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੇਖੀ ਜਾਈ ਮੈਂ ਖਾਈ ਨਾ ਵੱਲ। ਪਿਆਰੀ ਇਹ ਪੱਲਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਖੁਰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਾ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਸੋਫਟ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਝੂਠੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੱਥ ਘੜਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਨਾ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ, ਕਲੀਨ, ਹਾਈਜੀਨਿਕ, ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਪਾਣਾ ਹੋਰ कुछ भी खाना है। कैमरा बंद करता मैं, हम तो एक्टिंग करने की लोड़ नहीं है। कैमरा बंद है, ऑलरेडी पे है दोस्तों। हस्बैंड को मील मिल चुका है, अब मैं थोड़े सी खाऊंगी, एक पल्ला खा लेती हूँ मैं, और उसके बाद हस्बैंड ने जो चिकन बना के लाए हैं वो बन चुका है, बहुत डिलीशियस बनाया है, हिम्मत खा रहा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसा है। सो यस, चिकन ब्रेस्ट बनाई है हमने, कोई सैलड नहीं है इसके साथ खाने के लिए, मैं इसके साथ एक्चुअली लेटस एंड ग्रीन्स खा लूँगी, और बहुत बहुत अच्छा बना है। थैंक यू पति फॉर मेकिंग मी चिकन। काफ़ी समय हो गया है यहाँ पे बैठे बैठे, और 10 बज गए हैं, 10 नहीं एक्चुअली 11 बज रहे हैं। हम थोड़ी सी वॉक करने के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि वार्म है बहुत और मज़ेदार है। सो हिम्मत टीवी देख रहा है, वैसे यूजली हम इस समय सोने के लिए चले जाते हैं, पर आज नहीं गए हैं, पर अब हम वॉक करने के लिए जा रहे हैं। लेट्स गो। सॉरी, नो की अलाउड, सॉरी। ओके प्यारे दोस्तों, सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने आज का व्लॉग पसंद किया होगा, अगर किया है तो आपको पता है क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइज आर ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। यू गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज think about it and take action, that's it. Bye lalu, daddy wants to say bye.
You're looking pingly. यार थोड़े तो रोशनी नहीं पहन दी और तू ही लगन दे आ मेरी चंद्रमा दवा काला काला हिस्सा. Back.